वेलकम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा एक्टिव प्लस से, और आज हमारे साथ कीथ है। आप लोग गेस कीजिएगा कि कीथ कितने साल का है। मैं इसकी बीमारी के बारे में बात करूंगा, बट ये बताना चाहूँ कीथ काफी यंग है। yes, अभी कीथ ने अपनी 20 ईयर्स एज कंप्लीट नहीं की है, यानी कि उससे भी छोटा है। और ये हमारे लिए एक डिफरेंट केस है कि इतने जल्दी इतना सा हम इसके पीछे डेवलप होने लगा है। सीधे ये हम है ना। सो ये किस लिए होता है, मैं ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा और फिर आपको एडजस्टमेंट दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा कि इस तरह का जो हम बन जाता है कि किस तरह से आप ऑल्टर कर सकते हैं। ये एक्चुअली फैट टिश्यूज सर्वाइकल वर्टिब्रा के आसपास एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जब आपके शोल्डर मसल्स और शोल्डर गर्डल वीक हो जाता है, चलता नहीं है, और हम एक फिक्स पोजीशन में उसको रखते हैं, तो नेक की और शोल्डर की जो पोजीशनिंग है, साइड से देखेंगे हम देख सकते हैं कि इसका नेक शोल्डर से कितना आगे जा चुका है। शोल्डर और नेक एक एक्सिस में होना चाहिए, वहीं पे आप मेरे शोल्डर के साथ कंपेयर कर सकते हैं और इसके शोल्डर के साथ कंपेयर करें कि ये है डिफरेंस। इसकी वजह से ये हंच डेवलप होता है। और इसको ट्रीट कैसे करेंगे, पहले तो हम कॉज पता करेंगे। कॉज की काफी सारे डेस्क जॉब वाले, स्पेशली कंप्यूटर पे काम करने वाले जो जॉब के काम करते हैं, बट कीथ क्या काम करता है, कीथ स्टूडेंट है, बट इसके साथ ही मोबाइल का यूज एक्सेस, यानी कि अगर मैं इसकी एज बिना बोले गैस करने के लिए छोड़ा है, इसने कितनी मूवीज देखी होंगी या कितने गेम्स ये ऑनलाइन खेलता है। पबजी भी खेलता है, पबजी खेलता है। सो पबजी की वजह से हुआ है, कॉज हमें पता चल चुका है। अब इसका कंसर्न, इसकी मम्मी का कंसर्न, इसके फैमिली का कंसर्न ये है कि कैसे हम इसको ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए इसको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, सारी फ्री एक्सरसाइजेस, हाथ से चलना जो मैंने वीडियोस दिखाई है डॉक्टर, ठीक है, ताकि आपका अपर शोल्डर ये सारी चीजें इम्प्रूव हो, आप वॉल के साथ अगेंस्ट स्टैंड करना सीखें। ये सारी चीजें जब ये करेगा तभी इम्प्रूव होगा। अगर ये डंबल करने लग जाएगा तो इम्प्रूव होगा, बट वो शोल्डर मूव नहीं करेगा, फंक्शनल मोबिलिटी नहीं आएगी, तो ये हंच हम खत्म नहीं होगा। और फिर हम पूछेंगे कीथ से, कीथ यहाँ कैसे आया। यस डॉक्टर, तो मैं अभी जहाँ पर एक छोटी डिस्ट्रिक्ट में अभी मैं रह रहा हूँ, वहीं पर मैं स्टडी भी कर रहा हूँ। तो वन ईयर तक मेरे को ये बैक पेन फील होने लग गया था। ये हंच तो मेरे बहुत पहले से आ गया था, बट मेरे को बैक पेन अभी रिसेंटली वन ईयर से स्टार्ट हो गया था। तो अब जब एग्जाम्स आते हैं तो बहुत बर्डन पड़ जाता है नेक पे और पेन होने लग जाता है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करा कि इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या सही होता है, क्या करेक्ट होता है। तो थोड़े टाइम बाद मेरे को डॉक्टर के बारे में भी पता चला, मैंने गूगल पे भी काफ़ी सर्च किया। तो मैं अपने फरखाबाद डिस्ट्रिक्ट से फिर मैं दिल्ली आया मेनली इस चेकअप के लिए, क्योंकि मेरे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और मेरे को एग्जाम टाइम्स पर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इसकी वजह से। तो मैं डॉक्टर के पास आया था। तो कीथ कितने दिन हो गए आज डॉक्टर? ये फिफ्थ डे है। और कितना फायदा हुआ है? फायदा काफी हुआ है डॉक्टर। मेरे को अभी जब तक मैं अपने होम में था तो मेरे को सुबह उठते ही पेन स्टार्ट हो जाता था, कहीं भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो उसी टाइम पेन स्टार्ट। अब मेरा ये है कि अब अगर मैं बहुत ज़्यादा कुछ बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे काम कर रहा हूँ, बिल्कुल इंटेंसली फ़ोन चला रहा हूँ या कुछ भी काम कर रहा हूँ, वो पेन तब हल्का फुल्का स्टार्ट हो रहा है, नहीं तो मेरी मॉर्निंग अब बहुत अच्छी जा रही है। मतलब वो पेन सुबह से ही स्टार्ट नहीं हो रहा है मेरा, और बहुत कम ही हो रहा है वो। बाकी मैं अपना जो डॉक्टर ने एक्सरसाइजेस बताई हैं उसके बाद तो मेरा पूरा ही सही हो जाएगा। ओके, साल यानी दो साल से चल रही थी अप्रॉक्सीमेटली या तीन साल? डॉक्टर ये तीन साल से था, मतलब जब ये प्रॉपर मेरा ये नेक जो एडजस्टमेंट है, ये जो खराबी आ रही थी नेक में, ये मेरे को विजिबिलिटी तब से होने लग गई थी, बट पेन उतना नहीं हो रहा था। लेकिन ये वन ईयर से बहुत पेन हो रहा है इसमें कोई भी काम करने में। सो व्यूअर्स, आपकी भी फैमिली में अगर आपके घर में कोई टीनेजर है और पबजी खेलना स्टार्ट कर दिया है उसने, या कोई एक्सेस मोबाइल यूज करता है, तो प्लीज कीथ को देख के समझ जाएं कि कितनी दिक्कत में वो आ सकता है। मोबाइल का यूज गेमिंग के लिए प्लीज ना करें। आइए व्यूअर्स, हम आपको अब एडजस्टमेंट दिखाते हैं। मैं ले लाऊंगी।
पहले हम इसकी रसोई खोलते हैं। ब्रीथ आउट। अब मेकअप टर्न करेंगे, अब सीधा लेट जाएंगे। अब इस एज में जॉइंट्स तो बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं होते, सिर्फ पोस्चरल चेंजेस होते हैं, तो हमें जॉइंट्स खोलने में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। रिलैक्स, ढीला छोड़ेंगे। इजी सर के चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकॉन भी आप प्रेस करिए ताकि जब भी डॉक्टर का नया अपडेट आए यूट्यूब पे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड वी विल कीप पोस्टिंग मोर एंड मोर वीडियोज एज वी हैव द न्यू पेशेंट्स टू शेयर। थैंक यू।